कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे अफगानिस्तान में भूख के कारण 1000 से अधिक कबूतरों ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार ये कबूतर मजार ए शरीफ के प्रसिद्ध नीली मस्जिद में पाले गए थे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण यह मस्जिद लंबे समय से बंद थी, इस कारण इन कबूतरों को दाना नहीं मिल पाया, इसके कारण की मौत हो गई। अब मस्जिद प्रशासन और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इतनी बड़ी संख्या में कबूतरों की मौत के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गई है। आनंद फानंद में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से कबूतरों के शवों को मस्जिद परिसर से हटाया गया। ये सफेद कबूतर मस्जिद परिसर में ही रहते थे और इनको दाना पानी का प्रबंध भी मस्जिद प्रशासन ही करवाता था। कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते थे। इस दौरान वे इन कबूतरों को दाना खिलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध कर दिया गया था और मस्जिद प्रशासन ने भी दाना देने की व्यवस्था नहीं की। 1000 से ज्यादा कबूतरों की मौत के बाद अब स्थानीय लोगों ने इन बेजुबान पक्षियों के पेट भरने का भार उठाया है। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने समस्या को स्थानीय सरकार, हज और धार्मिक मामलों के मंत्रालयों के साथ साझा किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज ऑनलाइन के बेल आइकन को दबाएं।